उन्होंने खुद ही एक टेलीस्कोप डिजाइन किया और बनाया था और उसके जरिए उन्होंने सैटर्न के चंद्रमा टाइटन को खोजा। हॉइगिंस ने पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार किया। उन्होंने उन मैथमेटिकल फॉर्मूलास को गढ़ा जो आर्क वाले एक पेंडुलम को बनाने के लिए जरूरी थे और जिसके जरिए घड़ी की सुइयां सही सही समय दर्शाती। हॉइगिंस ने एक नई मशीन के प्रोटोटाइप का रेखा चित्र बनाया। उन्हें इस मशीन से काफी उम्मीदें थी। उन्होंने इसे नाम दिया था मैजिक लैंटर्न यानी जादुई लालटेन। कुछ एक सौ साल बाद ये चीज एक वर्किंग मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर के तौर पर सामने आई। लेकिन 17वीं सदी में हॉइगिंस के दिमाग में एक मूवी का आइडिया आ चुका था जो प्रभावित था उनकी अपनी निराशा भरी जिंदगी से। न्यूटन की ही तरह हॉइगिंस ने भी मैथमेटिक्स की एक नई शाखा का आविष्कार किया। ये थी प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इसके हिसाब से परिणाम का अंदाजा लगाया जा सकता था, यानी हेड्स आएगा या टेल्स इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। और क्रिश्चियन हॉइगिंस की भी प्रकाश की अपनी एक थ्योरी थी, लेकिन यह बहुत अलग थी। उनके अनुसार प्रकाश में सीधी कतार में चलने वाले गोलियों जैसे कण नहीं होते, बल्कि हॉइगिंस को प्रकाश चारों तरफ फैलती लहर लगती थी। उस समय तक यह पता चल चुका था कि ध्वनि एक लहर की तरह चलती है, पर कैसे? क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा खुला होने पर भी आवाज सुनी जा सकती है, यानी ध्वनि भी पानी की ही तरह किसी लहर के रूप में खुली जगह से अंदर आ सकती थी। हॉइगिंस को लगता था कि प्रकाश भी ध्वनि की ही तरह लहरों के रूप में चारों ओर फैलता है।